नमस्कार, राम राम सभी भाई अन्य, कैसे सब भाई? तो मैं भाई काफी दिनों से हम भी देख रहे हैं, सब हमारे इंडस्ट्री वाले लोग भी देख रहे हैं कि मनोज पाटिल के साथ जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है और सपोर्ट में सब उसके साथ है। एक फेक आइकॉन है अपने साहिल खान जी, पब्लिक कह रही है उनके पीछे बड़ी दीवाने हैं, हमें तो लगता कोई दीवाने हैं। मनोज पाटिल के साथ भी हुआ है, पहले संग्राम सर के साथ भी किया था। देखो ये संग्राम सर मनोज पाटिल हर की जिंदगी हो गई काम करते करते, 10-10, 15-15 साल करते करते, तब जाके ये कुछ बने हैं। साहिल खान जी ऐसे हैं, साहिल खान जो है वो क्या है, बॉडी बिल्डर है? नहीं है। है क्या? कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको साहिल खान के बारे में बताता हूं। साहिल खान का इतिहास ये है, साहिल खान पहले बॉलीवुड में गया, बॉलीवुड में जाने से पहले साहिल खान जिंगलो था, ठीक है? उसके बाद होमोसेक्सुअल भी हुआ, ठीक है? दूसरा, उसके बाद वो बॉलीवुड में गया, हमारी इंडस्ट्री का आदमी नहीं है, बॉलीवुड में गया, बॉलीवुड वालों में काम करा, बॉलीवुड में काम नहीं मिला। एक बहुत बड़े हमारे अभिनेता है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उनकी वाइफ के साथ भी इनके संबंध थे, उसकी पूरी फैमिली इसके चक्कर में खराब हो गई थी। शायद काफी लोगों को पता होगा कि उसकी फैमिली ने क्या सफर होगा जब आप किसी की वाइफ से संबंध बना लेते हो, तो फैमिली के या किसी पर्सनल किसी की भी फैमिली क्या सफर करती है, लोगों को पता ही होगा। उसके बाद बॉलीवुड ने इसके मारी लात, इसको कुछ नहीं मिला। फिर ये बंदा धीरे धीरे छोटे मोटे इवेंट में जाने लगा, फोन करके बोलने लगा कि मेरा, जब 2015 की बता रहा हूं आपको, 15 और 16 के बीच की बात है, साहिल खान जी त्यागराज स्टेडियम में कॉम्पिटिशन में आए थे और कॉम्पिटिशन में आने से पहले बोला कि मेरा स्टॉल लगाना, मैं एक सप्लीमेंट खोल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं और मैं नया काम कर रहा हूं, तो मैं आऊंगा, फ्री आऊंगा और मेरा स्टॉल लगाना। ऐसे करके इसलिए ना अपनी मार्केट बढ़ा ली, स्टॉल लगवा के, ये लगवा के, हर जगह फ्री में जा जाके ना। तो ये हमारी इंडस्ट्री वाले लोगों ने, हमने इनको सपोर्ट करा और ये हमारी पिछवाड़े पे लात मार रहे हैं। अब भाई तू है के साहिल खान, तेरी शकल ऐसे से थूका हुआ पान आई समझ, तूने विपिन पाटिल छेड़ दिया और सॉरी मनोज पाटिल छेड़ दिया, संग्राम चुगले छेड़ दिया, हमारे एनसीआर के किसी बाड़ा के छेड़ के देखी हो, तेरी थूत लाल कर देंगे। कभी सोच रहा है के कह रहा तू के कह रहा, बैंक बैलेंस दिखा रहा है कि भैया बैंक बैलेंस है ये हुआ है? अब भाई सुन, हमारे एनसीआर में घर गया इतना पैसा है, कहते नाम तेरी तरह, ठीक है? और सुन, तुझे यू भी चैलेंज है, तू हमारे एनसीआर के किसी बाड़ा का छेड़ के देखियो, मनोज पाटिल तो तूने छेड़ दिया, संग्राम चौगले सर भी तूने छेड़ दिए, हमारे छेड़ के देखियो, हम देखेंगे फिर तेरे कितने फॉलोअर्स हैं। सुन मेरी बात ध्यान से, जितने तेरे फॉलोअर्स हैं ना, इतने तो हमारे यार हैं जिनने हम डायरेक्ट जोने हैं, समझगा? तो भाई थोड़ा तमीज में रह, इंडस्ट्री वाले से मत भिड़ और किसी को गलत मत बोल, ठीक है? और किसी के ना पीछे मत पड़, कोई तेरा काम ना कर रहा था पीछे मत पड़ कि कोई तेरा पीनट बटर ना बेक रहा है, तेरा प्रोटीन ना बेक रहा, अपनी मर्जी से बेकेगा जो बेकेगा और अपनी मर्जी से करेगा जो करेगा, आई समझ? तू सहनसा ना है, और है था बता दियो हमें, तू हमें छेड़ के देख लियो, तुझे खुला चैलेंज है, हमें छेड़ के देख लियो तू, आई समझ? तो भाई मनोज पाटिल तेरी गल हम दिल से है, तरीके से है, तू ईमानदार है, अपना बढ़िया है, अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई इसको जितने लोग हो सकते हैं अनफॉलो करो, खासकर इंडस्ट्री वाले लोग, अगर जो आप लोग नहीं करोगे ना, बॉडी बिल्डर एथलीट वगैरह आप लोग नहीं करोगे तो फायदा नहीं है, ये आदमी हीरो बना रहेगा, ठीक है? बस थैंक यू भाई।